खरगोन से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। 2 पुरुष और महिला की मौत हुई है, ये बताया जा रहा है। मिनगावा के गुवाड़ी के पास की ये पूरी घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, और तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से आप देख सकते हैं। स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखने से और लापरवाही बरतने से कैसे हादसे हो सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। 2 पुरुष और महिला की मौत यहाँ पर हुई है इस पूरे हादसे में, और हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें हैं जो IBC 24 पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव में आप तक पहुँचा रहे हैं। तो IBC 24 एक बार फिर से इस हादसे के बाद अपने दर्शकों से अपील करता है कि स्पीड पर नियंत्रण बनाए रखें और लापरवाही ना बरतें। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई थी या तकनीकी खराबी की वजह से गाड़ी में ये पूरा हादसा हुआ, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। तो खरगोन के मेनगांव इलाके की ये पूरी घटना है, और बताया जा रहा है कि हादसा इतना ज्यादा दर्दनाक था कि 2 पुरुष और एक महिला की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, तभी ये बात सामने आएगी कि किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। शशिकांत हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, आपसे जानना चाहते हैं कैसे ये पूरा हादसा हुआ है, किसी प्रकार की लापरवाही यहाँ पर बरती गई या गाड़ी में तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसा हुआ, बताइए। जी मैं बता दूं, खरगोन जिले के मेनगांव थाना क्षेत्र के जेतापुर पुलिस चौकी के खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर गुवाड़ी फाटे के पास एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक पर सवार 3 लोगों की इसमें मौत हो गई, जिसमें 2 पुरुष और एक महिला शामिल थे। बताया जा रहा है कि ये तीनों जो है हेला पड़ाव से अपनी बहन को छोड़ने के लिए कसराव थाना क्षेत्र के खामखेड़ा गांव जा रहे थे, तभी अल सुबह जो है एक अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी। इसके बाद में मौके पर ही तीनों जो है लोगों की इसमें मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस द्वारा जो है अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है उससे पूरे जो है आदिवासी क्षेत्रों में शोक की लहर है, क्योंकि जिस प्रकार से तीनों लोगों की इसमें मौत हो गई, अब जो है तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां बड़ी संख्या में यहां पर परिजन भी मौके पर मौजूद है और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। मेनगांव की आई दिनेश सिंह सोलंकी कहना है कि इसमें अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है, इसके बाद जो है इस मामले का खुलासा हो सकेगा किस वाहन ने इसको टक्कर मारी। फिलहाल पुलिस द्वारा खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर लगे जो है गांव में CCTV कैमरे की भी इसमें मदद ली जा रही है, ताकि जो सुबह जो वाहन गुजरे उनकी तलाश की जा सके। लेकिन ये एक दर्दनाक और भीषण हादसा सामने आया है खरगोन जिले में। बिल्कुल शशिकांत, आज सुबह की ये पूरी घटना आप बता रहे हैं और अज्ञात वाहन है, CCTV फुटेज को सामने नहीं आया इस पूरी घटना का, और वाहन की कोई जानकारी अब तक सामने आई है या फिर नहीं है, जिस वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी थी? जी मैं बता दूं, ये अल सुबह जो है अल सुबह की घटना थी, जिसमें ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि कोहरे की वजह से भी ये जो है घटना हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से जो है एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, तो टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों लोग जो है सड़क पर जो है उनके शव पड़े दिखाई दे रहे हैं, और जो है वहां पर जो मौके पर CCTV कैमरे नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से अन्य जो गाँव में जो CCTV कैमरे लगे हैं उनकी पुलिस जो है मदद ले रही है। जी शशिकांत, तो आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए।